विजय हजारे ट्रॉफी प्री क्वार्टर फाइनल यानी नॉकआउट मैच। और नॉकआउट मैच जब भी आते हैं तो कुछ खिलाड़ियों के लिए बड़े मुश्किल मैच होते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं कि नॉकआउट मैचेस कब आएंगे, फाइनल्स कब आएंगे। उनमें से एक खिलाड़ी हैं रोहन कुन्नुमल, जो केरला की तरफ से खेलते हैं, और कमाल का प्रदर्शन इस खिलाड़ी से नॉकआउट मैचेस में देखने को मिला है। इससे पहले प्रोफेसर देवधर ट्रॉफी के फाइनल में साउथ जोन के लिए इन्होंने जो पारी खेली थी बहुत कमाल की पारी थी, और आज केरला वर्सेस महाराष्ट्र मैच में प्री क्वार्टर फाइनल एक नॉकआउट मैच में जो उन्होंने फाइनल में पारी खेली है वो भी और कमाल की पारी है, क्योंकि उनकी पारी ने और साथ में जो उनके ओपनिंग पार्टनर थे कृष्णा प्रसाद, उनकी पार्टनरशिप ने गेम को पहले ही एक तरफा कर दिया था। बाकी जो गेम चलता रहा वो सब फॉर्मेलिटी थी। और ये खिलाड़ी बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, फ्री फ्लोइंग बैटिंग। ऐसे खिलाड़ी को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि थ्रू द लाइन शॉट्स जिस तरह से लगाते हैं, छोटी टांग से खेलते हैं, और एक्सटेंशन ऑफ द ड्राइव आप जिसको बोलते हैं, वो शॉट्स इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बैट स्विंग बड़ा कमाल का है और रीच बड़ी अच्छी है। अगर आउटसाइड द ऑप्स्टम शॉट्स की बात करें, जरा सा रूम अगर इनको मिलेगा तो वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन शॉट्स इनकी तरफ से देखने को मिलते हैं, और हिचकते नहीं है बिल्कुल। जैसे पहले 10 ओवर में पावर प्ले होता है, सर्कल में फील्डर होते हैं, तो ऊपर से मारने में, फील्डिंग के ऊपर से जाने में बिल्कुल संकोच नहीं करते और ज़बरदस्त शॉट्स वहाँ पर लगाते हैं। पावर प्ले में अटैक हमेशा वो सामने वाली टीम पर करते हैं। इनका प्रदर्शन सिर्फ इस मैच में नहीं, ओवरऑल विजय हजारे ट्रॉफी में भी एक सेंचुरी और इनके बल्ले से आई थी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इनके बल्ले से एक और सेंचुरी देखने को मिली थी। तो अच्छा प्रदर्शन लगातार इन्होंने कहीं ना कहीं किया। कंसिस्टेंसी थोड़ी नहीं रही, लेकिन यार जब भी खेलते हैं खूबसूरत बहुत दिखे हैं। स्पिनर को खेलने की बात आएगी, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं, ज़्यादातर बल्लेबाजी जो है वो फ्रंट फुट पर ही शॉट लगाते हुए देखा गया है। स्पिनर्स के खिलाफ ज़रूर लेग साइड में खेलने की कोशिश करते हैं, उधर रिस्ट बग का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, कदमों का इस्तेमाल करके विद द रिस्ट जो है वो शॉट्स लेग साइड में मिड विकेट की तरफ भी अच्छे खेलते हैं। तो एक बड़े वर्सेटाइल बैट्समैन नज़र आए। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो इनकी पारी थी फाइनल में, जो देवधर ट्रॉफी खेली गई थी, और यहाँ पर जो पारी खेली गई है, बड़ी कमाल की रही। और स्पेशली मैं टेम्परामेंट की दाद दूंगा कि दोनों क्वार्टर फाइनल और फाइनल में जो है इन्होंने जबरदस्त पारियां खेली हैं, और उसके साथ कृष्णा प्रसाद। यार ये बैट्समैन देख करके मैं थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हुआ, बिकॉज जितने हार्ड हैंड से ये बैट पकड़ते हैं उतने हार्ड हैंड से आप प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको सिर्फ हिटिंग करनी है, लाइक जो टेनिस बॉल क्रिकेट होती है जहां पर आप तेज़ी से बल्ला घुमाते हैं, तो जितना ताकत से आप बैट को पकड़ सकते हैं घुमा सकते हैं, कुछ उस अंदाज में खेलते नज़र आए। तो थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप गेंद जल्दी पिक नहीं करते हैं और इस तरह का आपका बैटिंग का ग्रिप है, तो आपके लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप इतने हार्ड हैंड से खेलते हैं और रिस्ट बग के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो वो एक चीज़ है। हिटिंग बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से देखने को मिली, बट स्ट्राइक रेट अगर आप देखने जाएंगे तो उतना बेहतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट में आके उन्होंने रिकवरी ज़रूर की, बट दूसरे एंड पर रोहन कुन्नुमल जो बड़े रिस्टी शॉट्स जो है उनकी तरफ से देखने को मिल रहे थे, बैट का फ्लो अलग तरह से देखने को मिल रहा था। दूसरे एंड पर पावर थी, जो मैंने ग्रिप की बात की, जितना हार्ड हैंड से वो ग्रिप बल्ले की होल्ड करते हैं, टेनिस बॉल प्लेयर ज़्यादा लगे पहले लुक में मेरे को देख करके। बट अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि बॉल पिक करना शायद उनकी स्ट्रेंथ है, और जब भी एक बार आप बॉल पिक कर लेते हैं और आपको अंदाजा होता है कि किस पेस पर और किस तरह से गेंद आ रही है, तो हार्ड हैंड हो सॉफ्ट हैंड हो, सॉफ्ट हैंड का फ़ायदा आपको तब होता है कि कई बार आप पकड़ ना पाएँ कि क्या बॉल है, तो एडजस्टमेंट आपको थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सेंचुरी उनके बल्ले से भी निकली और उन्होंने 144 रन की पारी खेली। तो जो दो ओपनर ने दोनों ने सेंचुरी बना दी, और ओपनिंग स्टैंड जब इतना बेहतर लग जाता है 218 रनों का, तो फिर बाद में उसको मैक्सिमाइज करना था। संजू सैमसन मैं कहूंगा मिस आउट किया एक बार फिर से, क्योंकि बहुत अच्छा फाउंडेशन सेट था। जब पहला विकेट गिरा 35वें ओवर में, उस वक्त पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, स्टार्ट भी अच्छा मिला, एंड अगेन वो कन्वर्ट नहीं कर पाए, वही प्रॉब्लम आप दोबारा से देखेंगे। उसके बाद विष्णु विनोद, इस खिलाड़ी ने भी अपनी बैटिंग को ना एक अलग लेवल पर लेके गया है। पिछले कुछ महीने में चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, या इससे पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट रही हो विजय हजारे ट्रॉफी हो, ये डिफरेंट लेवल पर ले गया अपनी बल्लेबाजी को। बिकॉज पिछले साल ये मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा थे, और उससे 2-3 साल पहले जब ये आरसीबी के लिए भी
खेले थे, एक साल इनको मौका मिला था, तो बड़े एवरेज से बल्लेबाज थे, मुंबई के खिलाफ मुंबई के लिए खेलते हुए थोड़े से इंप्रेसिव नज़र आए थे, लेकिन अभी एक बिल्कुल चेंज इनकी बल्लेबाजी में देखने में आता है। और जिस तरह से बैक एंड अक्रॉस जा करके खड़े हो जाते हैं, आप शुभमन गिल को देखते हैं, उसके बाद आप गेंद डालिए, आप कहाँ डालेंगे, आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप डालेंगे, वहाँ इनके पास शॉट्स है, आगे डाल रहे हैं तो उधर ग्लाइड बहुत अच्छा करेंगे, छोटी डालेंगे तो कट बहुत अच्छा मारते हैं, स्टंप्स में आएंगे तो पिकअप करके बहुत अच्छा मारेंगे, शॉर्ट पिच डालेंगे तो पुल बहुत अच्छा मारेंगे, अगर आप लेफ्ट साइड में चले गए तो फ्लिक बहुत अच्छा मारेंगे। ऐसे बैट्समैन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और बड़ी फ्री फ्लोइंग बल्लेबाजी इन्होंने की है, ना सिर्फ आज के मैच में बल्कि इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इनके बल्ले से सेंचुरी निकली थी। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हिटिंग और ओवरऑल जो बैटिंग है उसमें एक एक बेस की भी बात होगी, क्योंकि पावर जिस तरह से आ रही है, अच्छा बेस जो है बना के रखते हैं, उसी वजह से हर तरफ ग्राउंड के शॉट्स खेल पाते हैं, और बहुत इंप्रेसिव बल्लेबाज इस सीज़न वो रहे, ना सिर्फ इस मैच की बात नहीं, 23 गेंद में 43 आज उन्होंने किए हैं, बट पूरे सीज़न अगर आप देखेंगे ज़बरदस्त रहे हैं। उसके बाद अब्दुल बासित की बात करें, जिन्होंने 18 पे 35 किए, ये RR की टीम का हिस्सा थे बट रिलीज़ कर दिए गए, अच्छा फिनिश कहूँगा मैं, क्योंकि एंड में 18 पर 35 और 383 चार विकेट के नुकसान पर जो है वो केरला की टीम ने बनाए। सामने जो गेंदबाजी थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि राजवर्धन हंगरगेकर क्यों बेंच पर बैठे हुए हैं, उनके साथ विकी ओस्तवाल देखेंगे, अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो भी बेंच गर्म कर रहे हैं, और महाराष्ट्र की गेंदबाजी कुछ खास थी भी नहीं अगर ओवरऑल आप देखें। जो थोड़ा बहुत इंप्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अजीम काजी, जिनका सीजन बल्ले से भी बहुत अच्छा गया है, गेंद के साथ भी काफ़ी इंप्रेसिव रहा है, तो एक बेहतरीन प्रॉस्पेक्ट वो जरूर नजर आए, बाकी गेंदबाजी में कोई दम महाराष्ट्र की तरफ से नज़र आता नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की बल्लेबाजी में मैं ओम भोसले की बात करूंगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 मैचेस में इन्होंने एक तो लगातार रन बनाए हैं, दूसरे आज इनकी बल्लेबाजी में बस मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करूंगा ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छी बैटिंग इन्होंने की। इनिशियली जब ये बैटिंग कर रहे थे तो जब इनको हल्का सा शॉर्ट गेंद मिल रही थी तो कट शॉट लगा रहे थे, तो पहले क्या हुआ था कि थर्ड मैन खड़ा हुआ था तो थर्ड मैन के लेफ्ट साइड से बॉल जा रही थी, ये लेफ्ट हैंडर है तो थर्ड मैन के लेफ्ट साइड से बॉल जा रही थी, फिर कैप्टन ने क्या किया कि उस थर्ड मैन को थोड़ा सा वाइड किया, आप कह लीजिए कि डीप पॉइंट की पोजिशन पर लेके आए, फिर वहाँ भी ये कट मार रहे थे तब भी उसके लेफ्ट से जा रही थी, फिर इसको थोड़ा सा और एडजस्ट किया, वहां पर लेके आए, फिर भी ये वहां से मार रहे थे, ये दिखाता है कि उस कट शॉट पर इनका कंट्रोल कितना है। और जो एक इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर मारने की बात करते हैं ना, स्पिनर को इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर मारना एक डिफरेंट चीज है, एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर तो नहीं था, बट जनरली जहां थर्ड मैन पर शॉट्स जाते हैं या वाइड ऑफ द थर्ड मैन शॉट्स जाते हैं, वहां पर इनके शॉट्स जो है वो डीप पॉइंट पर जा रहे थे, डीप कवर के एरिया में बैकफुट से खेले हुए शॉट जा रहे थे, तो वो ये दिखाता है कि इनके पास ना टाइम थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ थी। बाकी कलाइयाँ बड़ी अच्छी चलती हैं, कुछ लेग साइड पर इन्होंने शॉट्स लगाए वो बड़े इंप्रेसिव थे, बट इनकी पारी नाकाफी रही, क्योंकि 78 रन इन्होंने किए, कुशल तांबे के 50 रन थे, बाकी किसी के रन थे नहीं। बाकी अगर आप केरला की गेंदबाजी की बात करेंगे ना, तो श्रेयस गोपाल 2.0 इस पूरे सीज़न देखने को मिला है, T20 क्रिकेट में भी देखने को मिला है और यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है। गूगली वो हमेशा से अच्छी डालते थे, लेग स्पिन भी अच्छी उनसे देखने को मिल रही है, बल्ले से भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो अच्छी चीज़ है कि बीच में श्रेयस गोपाल जो कहीं खो गए थे केरला की टीम में, उनको रेगुलर जगह भी नहीं मिल पा रही थी, तो इस टीम में आके उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी बेटर मिली हैं, उन्होंने उनको ग्रैब भी अच्छा किया है और परफॉर्मेंस भी बड़ी इंप्रेसिव रही है। इस बार बड़े प्लेयर हो सकते हैं मेरी नज़र में, अगर फ्रेंचाइजीज उनको देख रही हैं और लेग स्पिनर खास करके जिन टीमों को चाहिए होंगे, तो बहुत अच्छा गेंद उनके हाथ से निकल रहा है, कंट्रोल बहुत अच्छा दिख रहा है, तो जो धार उनकी गेंदबाजी में पहले नज़र आती थी जब एक सीज़न उन्होंने एक ही मैच में एबी डिविलियर्स, विराट कोहली और एक और 3 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो कुछ उस तरह का रिदम उनकी गेंदबाजी में इस सीज़न नज़र आया है। बाकी दूसरे मैच की बात करें, बंगाल और गुजरात के मैच की बात करें, तो उधर भी एक तरफा ही मैच देखने को मिला। गुजरात के लिए प्रियांक पांचाल की सेंचुरी जरूर लगी, कप्तानी पारी उनकी तरफ से देखने को मिली, लेकिन बाकी कोई खास कंट्रीब्यूशन था नहीं। सौरभ चौहान ने 53 रन किए, साथ में उमंग कुमार के 65 थे। उर्विल पटेल इस मैच में नाकामयाब रहे, जिन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट की थी इस सीज़न, विजय
प्यारे ट्रॉफी में लगातार रन बनाए थे, तो 283 उनके थे, क्योंकि बंगाल की गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही है। ईशान पोरेल उधर गेंदबाजी कर रहे हैं, मोहम्मद कैफ हैं, सुमन दास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, प्रदीप्ता प्रमाणिक ने अच्छी गेंदबाजी की, तो इन सबके बदौलत जो है वो एक डिसेंट टोटल पर रोक लिया था बंगाल की टीम ने गुजरात की टीम को, और चेज करने की बारी आई। तो इस बार अभिमन्यु ईश्वरन नहीं थे बिकॉज वो इंडिया ए टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो सुदीप घरामी कप्तान ने जबरदस्त पारी खेली 117 रनों की, और उसके साथ अनस्तु मजूमदार एक और 100 इनके बल्ले से इस सीजन देखने को मिला था। तो इन दोनों ने मिलकर जो सेंचुरीज बनाई हैं उसके दम पर 46 ओवर में ये 282-83 रन जो है वो चेज डाउन कर लिए बंगाल की टीम ने बहुत आसानी से। तो ये प्री क्वार्टर फाइनल से दो टीमों ने और ज्वाइन कर लिया है जो क्वार्टर फाइनल्स हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी की 6 टीमों को। तो ये दोनों टीमें भी अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब 8 टीमें जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं उनके बीच क्वार्टर फाइनल्स होंगे, 4 टीमें मिलेंगी, देन सेमीफाइनल और फिर फाइनल्स खेले जाएंगे। तो दोस्तों ये था प्री क्वार्टर फाइनल मैचेस का हाल जो विजय हजारे ट्रॉफी के आज के दिन खेले गए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।